फ्री ऑफ कंप्यूटेशन यानी कि ऑटोमेटा में हम लोग कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर तक डिस्कस कर चुके थे, और कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर में हम लोगों ने पीडीए को भी डिस्कस किया हुआ था। तो पीडीए वाले वीडियो में काफी लोगों ने कमेंट में पूछा गया कि पीडीए का डायग्राम कैसे बनाते हैं, फिगर बनाना उन्हें काफी टफ लगा, और उसको मैं आप इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे जो पीडीए का जो फिगर है वो कैसे बनाते हैं। यानी कि जैसे हम लोग फाइनल स्टेट मशीन में जो डीएफए और एनएफए का फिगर बनाते थे, सेम यहाँ पे पीडीए का फिगर बनेगा। और काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन है कि कैसे वर्क होता है, काफी कॉम्प्लिकेटेड देखने में लगता है, लेकिन वो बहुत ही इजी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था किरकेट टपल के थ्रू इनको एक्सप्रेस करते हैं, कौन कौन सा टपल होता है, इसमें स्टैक यूज करते हैं। तो मैं एक ग्रामर ले ले रहा हूँ, सबसे पॉपुलर ग्रामर जो है जनरली जिसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है, वो आपका इस तरह से है, ए पावर एन बी पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन वन। इस तरह से आपको ग्रामर मिल जाएगी, या फिर आपको एक ग्रामर इस तरह से मिलती है, ए पावर एन बी पावर टू एन एन इज ग्रेटर देन वन, या फिर आपको ग्रामर इस तरह से मिल सकती है, ए पावर एन बी और ए पावर एन, इस तरह से आपको ग्रामर मिल सकती है, या इसी ग्रामर को इस तरह से भी आ सकता है, डब्ल्यू सी डब्ल्यू टी, या डब्ल्यू सी डब्ल्यू आ जाएगा एन इज ग्रेटर देन वन, या फिर इस तरह से आ सकता है, या फिर इसकी जरूरत नहीं है, या फिर इस तरह से आ सकता है आपका डब्ल्यू सी डब्ल्यू टी। इस तरह से आपको बहुत सारी ग्रामर आपको मिल जाएंगी जिनका हमें पीडीएफ ड्रॉ करना होगा। तो इसमें एक्चुअली में होता क्या, इसमें कंपैरिजन होता है, तो जिन में हम कंपैरिजन कर सकते हैं उसका हम पीडीएफ डिजाइन कर सकते हैं। तो जनरली मैं यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट इसका पीडीएफ आपको डिजाइन करके दिखा रहा हूँ, ए पावर एन बी पावर एन। उसके बाद अगर आप नीचे कमेंट में लिखते हैं कि मुझे किसी और लैंग्वेज का चाहिए, तो उसका मैं पीडीएफ आपको बना के दिखाऊंगा, जैसे ए पावर एन टू बी पावर टू एन या जो भी आप कहें। तो नीचे जिस हिसाब से आपका लाइक्स और जिस तरह से आपके कमेंट आते हैं, उस हिसाब से जिस टॉपिक के लिए या जिस क्वेश्चन के लिए सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे उस क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व करूंगा। चलिए, तो अभी सबसे पहले तो हम लोग ए पावर एन बी पावर एन का जो है पीडीए को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे सिंपली हमें करना क्या है, हमें नंबर ऑफ, यहाँ पे देखिए ये पहली बात तो यह कि इसका डीएफए नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि डीएफए हमारा दो टर्म को कंपेयर नहीं कर सकता। यहाँ पे देखिए एक्चुअली में अगर यहाँ पे ए पावर एन और बी पावर एम होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्यों, यहाँ पे ए स्टेरिक और बी स्टेरिक इस तरह से हम लोग यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों में कंपेयर है, यानी कि दोनों की एक दूसरे से कंपेरिजन हो रहा है कि एन और एम, सॉरी यहाँ पे एन और ए और बी इक्वल होने चाहिए। तो हमारे जितने नंबर ऑफ ए होंगे उतने ही नंबर ऑफ बी होंगे, जितने नंबर ऑफ ए होंगे उतने ही नंबर ऑफ बी होंगे। तो हमें इस तरह की काउंटिंग फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं कर सकता, तो यहाँ पे हमें पीडीए की जरूरत पड़ी। तो पीडीए में हमारे पास एक स्पेशल सिंबल होता है, स्पेशल टर्म आता है स्टैक। स्टैक का यूज क्यों करते हैं इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे एक स्टैक सिंबल आता है जिसके थ्रू हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब कंपेयर कैसे करेंगे, तो ये थोड़ा सा लॉजिक है, हमें यहाँ पे लॉजिक की बात करनी है, बाकी डीएफए तो आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। देखिए यहाँ हो क्या रहा है, मान लीजिए हमारे पास तीन ए और तीन बी, हम एन की वैल्यू थ्री रखते हैं, तो हम इसको किस तरह से परफॉर्म करें कि हमारा नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी हमें काउंट हो जाए। हमें तो देख रहे हैं कि तीन ए और तीन बी है, लेकिन जो मशीन है वो कैसे पता करेगी कि इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो ये ए पावर एन सेटिस्फाई होता है, ए पावर एन बी पावर एन। तो करना क्या है, देखिए स्टैक में क्या होता है, एक जो टॉप एलिमेंट है उसी पे सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, टॉप एलिमेंट पे सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो अगर हम ए के साथ पुश करें और बी के साथ पॉप करें, यानी कि पुश करें यहां पर और यहां पर पॉप करें, तो होगा क्या, जितने ए होंगे उतने ही बी होंगे। तो जितने ए पुश होंगे उतने, जितने ए के साथ पुश ऑपरेशन होगा उतने ही बी के साथ पॉप ऑपरेशन होगा। तो शुरुआत में जो यहां पे कंडीशन थी, फाइनल लास्ट में भी क्या होगा, वही कंडीशन रहेगी। तो अगर ऐसी कंडीशन आती तो हम कहेंगे कि हमारा जो डीएफए है वो सेटिस्फाई हो गया। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इस तरह से थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन था, तो इसीलिए एक सिंबल यहां पर यूज किया गया, जेड नोट। जेड नोट क्या करता है, जेड नोट हमेशा पड़ा रहता है, ये इनिशियल सिंबल है। तो अब क्या होगा, हम हर एक ए के लिए यहाँ पे पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और हर एक बी के लिए पॉप करेंगे। तो क्या होगा, जितने पुश होंगे उतने ही पॉप होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इक्वल हैं। तो लास्ट में क्या बचेगा, जैसे जेड नॉट था वही बचेगा। तो अगर हमें जेड नॉट दोबारा से मिल जाता तो हम कहेंगे कि हमारे जो लैंग्वेज है वो सी एफ एल है, या सी एफ जी जो ग्रामर है वो सी एफ जी है, और वो
पीडीए को द्वारा एक्सेप्ट है, यानी कि पीडीए उसको एक्सेप्ट करता है। देखिए कितना सिंपल सा लॉजिक है इसमें, जितने ए आएंगे उतने ही बी आएंगे, तो हर एक ए के लिए हम लोग पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हर एक बी के लिए पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो जितने पुश होंगे उतने ही पॉप होंगे। और शुरुआत में जैसा स्टेप था इसमें मान लीजिए बहुत सारे पुश हुए, बाद में बहुत सारे पॉप हुए, और लास्ट में हमें जेड नॉट जैसा था वैसे ही मिल गया। और अगर हमें जेड नॉट मिल गया तो हम कहेंगे एक्सेप्ट है, अगर जेड नॉट नहीं मिला तो एक्सेप्ट नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे ए 4 है और बी 5 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 4 पुश होंगे और 3 पॉप होंगे, तो हमें जेड नॉट नहीं मिलेगा क्योंकि पुश ज्यादा है तो एक एलिमेंट उसमें एक्स्ट्रा मिलेगा, तो हम कहेंगे एक्सेप्ट नहीं है। और अगर यहाँ पे बी ज्यादा हो जाते तो हमारा पॉप ज्यादा होता, यानी कि जेड नॉट भी यहाँ पे डिलीट हो जाता क्योंकि 4 बार पॉप होता 3 बार पुश होता, तब भी एक्सेप्ट नहीं होता। तो यानी कि ये कब एक्सेप्ट होगा, जब ए और बी बराबर होंगे। और यही हम चाहते हैं कि हम ऐसा कोई मशीन बनाए जो इस चीज को काउंट कर सके कि ए और बी बराबर है। तो ये तो हमारा लॉजिक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे पुश और पॉप की बात आ रही है कि पुश और पॉप का क्या मतलब है। तो देखिए पुश और पॉप का मतलब यहाँ पे है कि हम कोई एलिमेंट, अब यहाँ पे कोई एलिमेंट का मतलब ये नहीं है कि जो हम यूज कर रहे हैं वही ले, हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, स्टैक में कोई भी एक सिंबल यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू हम ये डिनोट करेंगे कि अभी पुश ऑपरेशन हुआ है और एक पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। इसको एक रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए क्या होता है, जनरली जो अनपढ़ लोग होते हैं या जो मतलब ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते, जो लिखना पढ़ना नहीं जानते, या जैसे कि मजदूर अगर आप बात करें तो उनके पास जाइए तो वो अपने, अगर वो मान लीजिए किसी यहाँ 100 दिन काम कर रहे हैं और उसकी पेमेंट अगर एक साथ नहीं होती है तो वो क्या करते हैं, एक दीवार होती है, दीवार पे वो क्या करते हैं किसी कलर से या किसी चीज से उतने मार्क करते जाते हैं कि मान लीजिए उन्होंने 5 दिन, वो 5 दिन की उनकी सैलरी बाकी है तो वो वहां 5 मार्क कर देंगे। अब मान लीजिए मैनेजर आता है वो उनको 4 दिन की सैलरी दे देता है, अब वो इतने ये 4 और 5 की तो आप आसानी लग रहे हैं, यहाँ पे 25 यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ 25 है या 24 है, तो वहां पे क्या होता है एक दिन का इधर उधर होता। अब मान लीजिए अगले महीने में फिर उसने 25 दिन की सैलरी दी और 25 दिन की सैलरी दी, 23 दिन की सैलरी दी और 25 दिन काम किया, तो वो क्या कहते हैं वो इस तरह से उस पे मार्क बना के रखते हैं, जितनी दिन की उन्हें सैलरी मिलती जाती है उतने दिन उसमें से कट करते जाते हैं, तो उससे क्या होता है उन्हें पता चलता है कि हमारे कितने दिन की सैलरी बची हुई है। सेम ऑपरेशन यहाँ पे हम लोग करेंगे कि हम इसमें कोई एक सिंबल डालेंगे, ए के साथ हम उस सिंबल को ऐड करेंगे और बी के साथ उस सिंबल को रिमूव करेंगे, तो हमें लास्ट में पता चलेगा कि कितने सिंबल इसमें बाकी हैं या कितने एक्स्ट्रा हैं। जैसे कि यहाँ पे ये सिंबल था, या इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक थैला है, स्टैक एक थैले की तरह है और हम किसी से कोई ऑब्जेक्ट लेने आते हैं, उसके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। मान लीजिए कोई शॉपकीपर है और वो किसी एक प्रकार के शॉप को चलाता है, उसके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं सेम टाइप के। अब एक आदमी आता है और वो उसे 5 रुपए देता है हर एक उसके लिए, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए 5 रुपए देता है, तो वो 5 रुपए इसमें रखेगा, यानी कि 5 रुपए का सिक्का इसमें रखेगा, इसको उस कस्टमर को दे देगा, इसके लिए 5 रुपए का सिक्का रखेगा कस्टमर को दे देगा, इसके लिए रखेगा कस्टमर को दे देगा, इसके लिए रखेगा कस्टमर को दे देगा, इसके लिए रखेगा कस्टमर को दे देगा। अब जब वो मार्केट से दोबारा उन ऑब्जेक्ट को लेने जाएगा तो उतने ही जितने वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे थे उतने ही ऑब्जेक्ट को काउंट करके निकाल देगा। तो इस तरह से स्टेप वर्क करेगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इसकी कोई टेंशन ना लें, ये तो रियल टाइम एग्जाम्पल था, हम लोग यहाँ पे स्टेप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पीडीए की बात कर रहे हैं, तो इसका हम सिंपली पीडीए डिजाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे लॉजिक क्या रहेगा कि जितनी बार भी ए आएगा उतनी बार हम पुश करेंगे और जितनी बार भी बी आएगा उतनी बार हम पॉप करेंगे। तो चलिए यहाँ पे करना क्या है, इनिशियल स्टेट जब हमें कोई स्टेट नहीं होती है तो वो इनिशियल स्टेट होती है क्यू नॉट। यहाँ पे हम लोग सीधे फिगर बना रहे हैं, यहाँ पे ट्रांजेक्शन फंक्शन बाद में लिखेंगे, यहाँ पे सीधे फिगर बना रहे हैं। देखिए जब हमें ए आएगा तो हम क्या करना चाहते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास एक स्टैक भी रहेगा साथ में, तो हम इस स्टैक को साथ में लेके चलते हैं ना, यहाँ पे हमारा जेड नॉट के साथ हमारा स्टैक है। तो अब हो क्या रहा है, जैसे हमारे पास एक क्यू नॉट है, यहाँ पे ए नॉट ना समझिएगा, ये क्यू नॉट है, क्यू नॉट। देखिए हो क्या रहा है, जब हमारा ए आ रहा है और स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है तो क्या करेगा, हम टॉप वाले एलिमेंट को देखेंगे क्या है, तो टॉप में जेड नॉट है, यानी कि हमारे पास ए नॉट आ रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, ए नॉट हमारे पास आ रहा है, ए आ रहा है, रीड हो रहा है, ए ये स्ट्रिंग होगी, ए ए ए डॉट 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 और बी 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 डॉट डॉट डॉट, जितने ए होंगे उतने बी होंगे, तो इस तरह से रीड होगा, आगे रीड करता हो जाएगा। जब उसने देखा ए हमें मिल रहा है पहला सिंबल और यहां पे क्या है जेड नॉट, तो क्या करेगा ये ए जेड नॉट, यानी कि उस ए को
उसके अंदर रख देगा, तो ए ऊपर आ जाएगा, जेड नॉट नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन है कि अगर ए मिलता है और हमारे पास सिंबल जेड नॉट है तो हम उस ए को ऐड कर देंगे उसमें, जेड नॉट को ए को यहां डाल देंगे, ठीक है। ये हम एग्जांपल ले रहे हैं थ्री ए और थ्री बी का, आपको यहाँ एन से हटा के हम थ्री ए और थ्री बी का एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो इसने पहला ए रीड किया, अब ये दूसरा ए रीड करेगा। देखिए सेम सिंबल है तो हम स्टेट चेंज नहीं करेंगे, हम मिनिमम स्टेट की, अगर आपने डीएफ पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि हम कोशिश करते हैं मिनिमम से मिनिमम स्टेट हमारे पास हो, तो हम स्टेट तब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक उसकी जरूरत ना हो। अगर हमारे पास दोबारा हमें ए मिलता है, अभी टॉप में क्या है ए, अगर ए मिलता है और ए टॉप में है तो हम क्या करेंगे उस ए को भी पुश कर देंगे। ये दो डबल ए का मतलब क्या है कि एक पहले वाला ए और एक नया ए, यहाँ पे जेड नॉट पहले वाला ए को हमने पुश किया, तो यहाँ पे देखिए ये पुश ऑपरेशन हुए, दोनों ऑपरेशन यहाँ पे होंगे। तो अगर दूसरा ए मिला तो यही होगा, तो दूसरे ए के लिए क्या होगा पुश हुआ। अब तीसरा ए मिला तो इसके लिए भी पुश करना है, तो क्या इसके लिए अलग से लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि हम सिर्फ टॉप वाला एलिमेंट देखते हैं, तो यही कंडीशन तो आ जाएगी दोबारा कि हमें ए रीड हुआ है और टॉप में क्या है ए, तो ए ए दोनों ए है तो ए एड हो जाएगा, तो इस तरह से एक ए और आ जाएगा। जितने भी ए आएंगे हर बार यही वाला फंक्शन, पहली बार में ये वाला फंक्शन चलेगा और उसके बाद हमेशा ये वाला फंक्शन चलेगा, ऐड होता जाएगा ये। अब बी आता है तो हमें क्या करना है पॉप करना है, लेकिन अब हमें स्टेप चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि सिंबल चेंज हुआ है और हम रोटेशन को चेंज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे स्टेप चेंज करेंगे, तो यहाँ पे स्टेप चेंज करना जरूरी है। अब बी पे हमें क्या परफॉर्म करना है पॉप ऑपरेशन, तो बी है और बी को मिलेगा क्या ए, टॉप पे क्या मिलेगा ए, अगर बी को टॉप पे ए मिलता है तो क्या करेंगे एप्सिलॉन, यहां पे एप्सिलॉन लिखने का मतलब है, यहां पे एप्सिलॉन लिखने का मतलब यह है कि हम इसको पॉप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पॉप कर रहे हैं, एप्सिलॉन का मतलब क्या है कि वो खत्म हो रहा है तो उसको पॉप कर रहे हैं। तो देखिए पहला बी मिलेगा, जैसे यहां पे आपको पहला बी मिलता है, ये पहला बी यहां पे मिला आपको, तो क्या होगा एक ए जो है पॉप हो जाएगा, एक ए पॉप होगा। अब उसको क्या होता है, हम लोग कहां पहुंच गए Q1 स्टेट पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे Q1 स्टेट पे पहुंच चुके हैं। अब क्या होता है हमें दोबारा भी मिलेगा, पहला भी मिला दोबारा भी मिलता है, तो अब हमें नई स्टेट पे जाने की जरूरत नहीं, अब हमें B मिल रहा है और अगर टॉप पे A है, B मिल रहा है और टॉप पे A है तो क्या करेंगे हम फिर से रिमूव करेंगे। अगर B है जैसे यहाँ पे देखिए हमने एक ही में दोनों कर लिए थे, यहाँ पे हमें स्टेट को चेंज करना था इसलिए यहाँ लिखे हैं, अगर स्टेट पहले से चेंज होती तो हम इन दोनों को एक ही साथ लिख सकते थे। यहाँ पे फिर से क्या है बी आ रहा है और ये हमारा टॉप पे है, तो जितनी बार भी आएगा रिमूव होगा। तो देखिए दूसरे ए के लिए भी ये रिमूव हो गया, दूसरे बी के लिए भी ये दूसरा वाला ये रिमूव हो गया, तीसरे बी के लिए ये तीसरा ए रिमूव हो गया। अब देखिए सारे ए खत्म हो गए सारे बी खत्म हो गए, लास्ट में यहाँ पे जब भी ये स्ट्रिंग खत्म होगी तो स्पेशल सिंबल होगा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन या इसको हम जनरली हम लोग एप्सिलॉन से भी यूज करते हैं, इस तरह से सिंबल से भी यूज करते हैं, तो दोनों का मतलब एक ही है। अब जैसे ये सिंबल आएगा तो यहाँ पे दो तरीके होते हैं, एक तो एम्प्टी स्टेट के थ्रू होता है या फिर हम लोग इसको सिंपली स्किप करके भी कर सकते हैं, तो हम इसमें क्या चाहते हैं देखिए इसके दो तरीके हैं और दोनों सही है। यहाँ पे मान लीजिए अभी नया सिंबल आया तो हम फिर से इसने इसको रीड किया और जैसे ही रीड किया तो क्या है एप्सिलॉन रीड किया, टॉप पे क्या है जेड नॉट, अगर इसको टॉप पे जेड नॉट मिला मतलब सारा स्ट्रिंग खत्म हो गई, जेड नॉट से शुरू किए थे पॉस हुआ पॉप हुआ सब कुछ होने के बाद भी क्या मिला जेड नॉट, यानी कि ए और बी इक्वल थे, क्यों क्योंकि जितने पुश हुए होंगे उतने पॉप हुए होंगे तभी तो जेड नॉट मिला, तो इसको हम सिंपली स्किप कर देंगे, इसको क्या कर देंगे सिंपली स्किप कर देंगे, स्किप करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ जेड नॉट, जेड नॉट का मतलब क्या होगा कि हमने जेड नॉट था जेड नॉट को रहने दिया उसको हटाया नहीं, अगर हम एप्सिलॉन लिखते हैं उसका मतलब पॉप कर रहे हैं, और यहाँ पे हम कहाँ गए क्यू एफ पे, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ पीडीए वाई फाइनल स्टेट। अगर हम ऐसा ना करके इसको एक चीज और कर सकते थे कि मान लीजिए एप्सिलॉन मिले तो हम जेड नॉट को भी पुश कर दें पॉप कर दें, तो उसमें क्या होगा ये स्टेट जो होगा एम्प्टी हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं एम्प्टी स्टेट एक्सेप्टेंस। तो उसको चाहे तो आप इसी में फाइनल स्टेट बना सकते हैं या अलग से फाइनल स्टेट बना सकते हैं, यानी कि उस कंडीशन में क्या करेंगे हम चाहे तो हम यहीं पे ले आए, ये दूसरी कंडीशन है, ये आपका कंप्लीट हो गया, ये आपका पीडीए कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप ये तो था आपका फाइनल स्टेट के थ्रू, अगर आप एम्प्टी स्टेट के थ्रू करवाना चाहते हैं तो आप इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए और यहां पे इस तरह से लिखिए कि अगर हमारे पास एप्सिलॉन मिलता है और टॉप पे है जेड नॉट तो हम उस जेड नॉट को भी हटा रहे हैं, और अगर जेड नॉट को हटा रहे हैं तो लास्ट में क्या बचेगा एम्प्टी स्टेट, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टेट और इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट। तो आपको इन दोनों में से कोई एक बनाना है, तो जनरली आपको
जो भी आपको उसके अकॉर्डिंग दिया हो उसके अकॉर्डिंग बनाना है, और दोनों सेम ही है, दोनों का काम सेम है, दोनों की पावर सेम है, सब कुछ सेम रहेगा। तो इस तरह से ये आपका जो पीडीए वर्क करता है। अब इसके ये इन्हीं जो ये जो फंक्शन है जो हमने यहाँ पे यूज किए हैं उन्हीं को ट्रांजेक्शन फंक्शन के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग कहाँ लिख रहे थे, हम लोग डीएफए में लिखते थे, फंक्शन लिखते थे कि कौन से सिंबल पे कहाँ जाएगा। तो इसमें भी ऐसे हम लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, ए हमने रीड किया, टॉप पे क्या था, ए। अगर हमने क्यू हमारी स्टेट है क्यू नॉट, और हमने ए को रीड किया, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, क्यू नॉट ही मिलेगा और ए ए मिलेगा। यानी कि हम सॉरी यहाँ पे पहला सिंबल पहली तो ये थी, जेड नॉट अगर हमारा टॉप पे है, हमने सिंबल क्यू स्टेट क्यू नॉट स्टेट पे है, सिंबल हमने ए रीड किया, यानी कि पहला सिंबल ए रीड किया और हमारे स्टेट में क्या है, जेड नॉट, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्यू नॉट पे ही रहेंगे और हम उस ए को पुश कर देंगे जेड नॉट के साथ, ठीक है। दूसरा क्या था ट्रांजेक्शन फंक्शन, क्यू नॉट, और अगर हमारे पास ए हमें रीड करते हैं और हमारे टॉप पे भी ए है, हम ए को रीड कर रहे हैं यहाँ पे और टॉप पे भी ए पहले से है, यानी कि ये वाले ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद टॉप पे ए आ गया था, तब क्या होगा, क्यू नॉट पे ही रहेंगे और हम उस ए को भी पुश कर देंगे। यहाँ पे हम एक ही सिंबल एक्स्ट्रा लेके चल सकते हैं क्योंकि स्टैक में सिर्फ हम टॉप वाले एलिमेंट पे सारे फोकस करते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे क्यू नॉट है और यहाँ पे बी आता है और टॉप में क्या है ए, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम पॉप करेंगे तो आएगा क्यू वन, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेट चेंज की थी, ये वाला हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं, तो क्यू वन आएगा और यहाँ पे क्या होगा, पॉप होगा, तो इसको एप्सिलॉन से हम डिनोट कर देते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से क्यू नॉट यहाँ पे, और अगली दूसरी ट्रांजेक्शन ये वाली ट्रांजेक्शन की बी सॉरी क्यू वन है यहाँ पे और हमारा यहाँ पे बी आता है और टॉप पे हमारा ए, तब भी हम क्या करेंगे, क्यू वन पे ही रहेंगे और सॉरी इसको यहाँ पे हम लोग पॉप करेंगे। और लास्ट वाले आप चाहे ए वाला लिखिए या फिर एम्प्टी स्टेट वाला लिखिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्यू वन पे हैं और हमारे पास आया है एप्सिलॉन, ये लास्ट सिंबल एप्सिलॉन ना लिखिए, अगर आपको ये इस एप्सिलॉन के साथ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको इस तरह से सिंबल भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और यहाँ पे क्या है, जेड नॉट अगर टॉप में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू एफ पे पहुंचेंगे और जेड नॉट को जेड नॉट रहेंगे, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस बाय फाइनाइट स्टेट सॉरी फाइनल स्टेट। तो ये इसके ट्रांजेक्शन फंक्शन है और ये इसका पीडीए है और ये आप इसकी सीएफजी है। तो इसको हम लोग इस तरह से तीन जनरली क्वेश्चन में या तो आपको ये दिए रहेंगे आईडी, इसको हम लोग आईडी बोलते हैं, ट्रांजेक्शन फंक्शन ना बोलते हैं, इसको ट्रांजेक्शन आईडी बोलते हैं। तो हमें जनरली ट्रांजेक्शन आईडी दी रहेगी और हम या फिर हमें ग्रामर दी रहेगी, तो हमें ट्रांजेक्शन आईडी भी लिखनी होगी और ये पीडीए भी बनाना होगा, या फिर हमें ट्रांजेक्शन आईडी दी रहेगी तो हमें उसकी ग्रामर लिखनी होगी और पीडीए बनाना होगा। तो ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। तो ये सिंपली एक्सप्लेनेशन थी कि पीडीए जो है वर्क कैसे करता है, इसका जो फिगर है वो कैसे ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि इसमें काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं। तो अगले वीडियो में आपके जिस तरह से कमेंट आते हैं, जिस तरह से आपके लाइक आते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा कि आप कौन सा देखना चाहते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ हिंट दे दूं, जैसे अगर आपको यहाँ पे 2n होता तो करना क्या था, आपको एक ए के साथ दो बी को कंपेयर करना था, तो आप उसका लॉजिक सोच सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे ए सॉरी यहाँ पे आप डब्लू सी डब्लू डब्लू होता है या डब्लू सी डब्लू टी होता है या आपका ए पावर एन बी ए पावर एन इस तरह से होता, तो उसको कैसे वर्क करना है तो आप वो सब देख सकते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपको कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।